सड़क पर सफर के दौरान आपने किनारे में लगे कई मील के पत्थर देखे होंगे। इन पर आने वाली जगह के नाम के अलावा इनकी डिस्टेंस और कई तरह के निशान भी लगे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि इन मील के पत्थरों का रंग अलग अलग भी होता है? ये पत्थर ट्रेवल करने के दौरान एक मार्कर का काम करते हैं। ये बताते हैं कि क्या आप सही दिशा में चल रहे हैं या और कितनी दूर है आपकी मंजिल। ज्यादातर ये पत्थर हर किलोमीटर पर लगाए जाते हैं, लेकिन इनके अलग अलग रंग का भी खास मतलब होता है। कहीं आपको पीले रंग के पत्थर दिखेंगे तो कहीं हरे, कहीं काले और कहीं नारंगी। यहाँ हम आपको हर रंग के पत्थर के अलग अलग मतलब बताने जा रहे हैं। अगर आपको रास्ते में पीले रंग के पत्थर दिखें तो समझ जाइए कि आप अभी नेशनल हाईवे पर हैं। पिछले साल के दिसंबर महीने के आंकड़ों की माने तो देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क 1,65,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह हाईवे राज्यों और शहरों को आपस में जोड़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इन हाईवे को मेंटेन करती है। आपने कई जगह इन मील के पत्थरों का रंग हरा भी नोटिस किया होगा। अगर आपको हरे रंग के पट्टे दिखे हैं तो इसका मतलब है कि आप नेशनल हाईवे से निकलकर स्टेट हाईवे पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि स्टेट हाईवे राज्यों और जिलों को आपस में जोड़ते हैं। इनकी देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होती है। क्या आपने कभी इन माइलस्टोन को काले रंग पेंट में देखा है? अगर हाँ तो इसका मतलब है कि आप ट्रैवल करते हुए किसी बड़े शहर या जिले में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ की सड़कों की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। अगर आपकी नजर नारंगी रंग के माइलस्टोन पर पड़े तो समझ जाएं कि आप किसी गांव में आ चुके हैं। ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई होती हैं। तो आगे से अगर आप किसी माइलस्टोन को देखें तो उसके रंग से पता कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।